मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगमनगर प्रयागराज, जहां समाजवादी पार्टी में वापसी करने के बाद प्रयागराज पहली बार पहुंचे शिवपाल यादव ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को गुंडा पार्टी बताया है और कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है शिवपाल यादव का। उधर रायबरेली में भी हुआ, फिर प्रतापगढ़ में, गुंडा में भी हुआ, गुंडा के बाद इलाहाबाद, प्रयागराज में देख ही रहे और अभी तक मिल ही रहे लोगों से। अब बस केवल ये है कि हम लोग मिल के, अब पहले भी हमारी पार्टी यही थी, लंबे समय तक मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है और सभी पदों पर भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर के लीडर अपोजिशन भी रहा, सरकार बनाई, कई बार बनाई। और जहां तक देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार चार बार रही, नेताजी से लेकर के अखिलेश था, लेकिन इस तरीके का विपक्ष पर उत्पीड़न मैंने तो कभी देखा नहीं। नेताजी सबको सम्मान देते थे, विपक्ष के लोगों को भी सम्मान देते थे। मैंने कल जो देखा है रायबरेली में भी उत्पीड़न, प्रतापगढ़ में भी विपक्ष के लोगों पर उत्पीड़न और झूठे मुकदमे इतने लादे जा रहे हैं, सौ सौ मुकदमे, 50-50 मुकदमे। हम निकल पड़े हैं तो फायदा ही मिलेगा, हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी है। ये बताइए, हाँ लड़ेंगे, हमारे जो भी जिला कमेटियाँ हैं वो सभी जितने भी हैं, सभी जितने भी प्रत्याशी होंगे लड़ाएंगे। प्रसपा में सपा का विलय, वो भी लड़ेंगे, जितने वाले प्रत्याशी जितने भी हैं उन्हें भी सम्मिलित किया जाएगा। आजीवन हम इसी पार्टी में रहेंगे, पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो फाइनल घर वापसी है। फाइनल है, यह हमारी पार्टी है, नेताजी के साथ लगातार नहीं होगा। काहे की क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, ये बताएं बुलशन करिए एक्शन की। नहीं वो तो होगा ना, परंपरा गलत है, मैंने कहा नहीं ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत है, अगर ये परंपरा पड़ जाएगी तो ठीक नहीं। हम लोग भी सत्ता में रहे हैं, कभी ऐसा नहीं किया, चार बार रहे हैं नेताजी, तीन बार अखिलेश रहे, चार बार ऐसा हम लोगों ने तो बदले कभी नहीं किया। बदले क्या, बदला तो हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, तो कहे का बदला, ये कहते हैं सारे माफिया सारे, ये तो बदला जब यही नहीं तब ये काम हो रहा है, तो बदला कहाँ होगा। गुंडों की पार्टी ही कहते हैं, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं सारे माफिया गुंडे। देखो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद गुंडाई करती है, ये गुंडाई नहीं और क्या है, जो किसी पर झूठे मुकदमे ला दो, किसी का घर गिरा दो, बुलडोजर चला दो, ठोंक दो किसी को, ये क्या, ये ठोंक दो किसी को, ये क्या है। हमारे लोगों ने तो कहीं कहा नहीं, कह रहे ये भी कह रहे थे सेपे वो मैनपुरी में तो गुंडाई से हम लोग जीते, जब इतना फोर्स लगा दिया, पूरी सरकार लगी थी और जो भी देखिए यादव मुसलमान जो भी थे, एक भी दरोगा जो भी पोस्ट दिए थे उन्हें छुट्टी दे दी जबरन, अभी तक उन्हें ज्वाइन नहीं कराया, 20 दिन का अभी तक ज्वाइन नहीं कराया, तो इससे बड़ी गुंडाई कौन कर रहा है, ये सीधा सीधा सरकार गुंडाई कर रही है। आपने तो जब सोलंकी हूँ या फिर सैजिद इस्लाम का वहाँ पर भी हुआ था, बिल्कुल गलत है, बुलडोजर है, किसी के घर गिरा दो, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे
उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन उनके बच्चों का क्या दोष है, उनके परिवार का क्या दोष है? जो भी अगर कहीं गलती करता है, जो भी अगर कोई ब्लेम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लीगल कार्रवाई। हाँ, लीगल क्या कोई आप... अदालतें हैं, अदालतें सजा देंगी उन्हें। लेकिन सरकार ये कहती है जो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है हम उसको गिरा रहे हैं। विपक्ष इस पे क्या अपना आपकी क्या नहीं, जो परिवार है, परिवार ने तो कोई जुर्म किया नहीं। और मैंने तो देखा है कि जो दूसरे के नाम भी हैं, रिश्तेदारों के नाम हैं, उनके जानने वालों के नाम हैं, सबकी गिराई जा रही है। ऐसा कहीं हुआ जैसे यहाँ पे भी घर वगैरह गिराए गए, तो आप लोग आगे कुछ उसको लेके करेंगे, सड़कों पर देखिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, रोकेंगे इसे, विधानसभा से लेकर सड़कों से लेकर के इसका हम लोग विरोध करेंगे, डट करके विरोध करेंगे। तो कार्यशैली में वर्क कल्चर जो है वो विधानसभा चुनाव के मुझे तो लग रहा है और बेहतर होता जा रहा है, और बेहतर होता जा रहा है। ये इसका तो परिणाम मैनपुरी है, इसका तो परिणाम मैनपुरी है। मैनपुरी में जिस तरीके का चुनाव हो रहा है, सरकार के बल पर और पुलिस के बल पर और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, कोई बचा नहीं है मंत्री, लालच से लेकर के क्या नहीं दिया, तब भी जनता ने सपोर्ट किया, जनता ने वोट किया, वोट करके कितना वोट किया जनता ने। और अगर इतना टेरर नहीं होता तो मेरे समझ में जी तो 5 लाख से ऊपर होता वहाँ पर। तो देखिए इसी तरीके से अब जनता जनता पर फिर फैसला लेगी। नेता विरोधी दल बना दिया जाएगा, 2 हफ्ते हो गए अभी कुछ उस पर फैसला नहीं। नेता विरोधी दल भी मैं रह चुका हूँ नेता, और खैर देखिए अखिलेश भी नेता विरोधी दल हैं तो वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अच्छा बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। तो देखिए असली काम होता है पार्टी में संगठन, संगठन असली काम होता है। आप बिना किसी पद के ही संगठन को मजबूत करने में जुटे रहेंगे, जो भी जिम्मेदारी मिले निभाएंगे। कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि आपको कोई सम्मानजनक पद मिले ताकि पार्टी मजबूत हो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, ऐसे कार्यकर्ता चाहते हैं, तमाम लोगों ने अभी कहा भी हम लोगों से। चलिए हम देखिए देखिए जिम्मेदारी जिम्मेदारी हमारी भी तो है, हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हम सभी पदों पर रह चुके हैं, कोई पद ऐसा बचा नहीं जो मैं न रहा, पद की लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं पर। अच्छा ऐसा तो नहीं खेल भेजा जा रहा है, तो ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी के सरदार चल रही है। ये कोई लोकतंत्र में एक तरह से लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या ये सरकार करने जा रही है। इस तरीके की लोकतंत्र में अगर परंपराएं बढ़ेंगी तो बिल्कुल लोकतंत्र के फिर तो खतरा ही है लोकतंत्र, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। अभी आपने मैनपुरी का चुनाव देखा, रामपुर का चुनाव देखा, अगर लोकतंत्र में इस तरह की परंपराएं पड़ेंगी जिसकी सरकार होगी पुलिस के बल पर, सरकार के बल पर अगर इस तरीके का उत्पीड़न होगा, वोट नहीं डालने देंगे, तो फिर लोकतंत्र बचेगा? तो ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला है भाई। आपने तो देखे लिया कल हम तो पहली बार निकले हैं मैनपुरी चुनाव के बाद, पहली बार निकले, जब अखिलेश निकलेंगे तो और ज़्यादा जनता निकलेगी। और ये देखिए माहौल अब बनना शुरू हो गया है, अब माहौल बनना शुरू हो गया है, और वो इसलिए हो रहा है कि इतना भ्रष्टाचार, इतना उत्पीड़न, इतना उत्पीड़न तो कभी नहीं हुआ है। विपक्ष को भी हम लोगों में, हम भी सरकार में रहे हैं, विपक्ष को हमेशा हमने
माना है, विपक्ष से को भी संतुष्ट किया है, लेकिन ये तो विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। समाज का वक्त हो गया, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो बड़ी जिम्मेदारी। तो देखिए, पद हमारे लिए कोई माने नहीं लगता है, हमारे पास सभी पद रहे हैं और हम तो उस परंपरा के हैं, समाजवादी परंपरा के हैं। आपने देखा है कितने बड़े लोग हुए हैं, जयप्रकाश हुए, डॉक्टर लोहिया हुए, कौन सा पद था है? लेकिन पूरे देश को हिला दिया था, पूरे देश को हिला दिया। तो सरकारें जब निकल पड़े तो सरकारों को पता नहीं चला। तो पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जनता का विश्वास बड़ी बात है। तो देख ही लिया है कल आपने, लाते जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? आप सत्ता में आएंगे तो उस पर कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल है, जितने भी केस अगर झूठे केस लादे जा रहे हैं तो उनको वापस लेंगे। झूठे केस अगर किसी ने अपराध किया है तो उन पर तो भी केस चलेंगे, उन्हें तो दंड मिले। लेकिन जितने भी निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनका तो हम डट करके उसका खिलाफ। जो लोग ये कर रहे हैं, लगवा रहे हैं झूठे मुकदमे, यहाँ पर भी अदालतें कुछ न कुछ न्याय देंगी, मुझे तो उम्मीद है यहाँ भी अदालतें न्याय देंगी। अगर लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे क्या आप लोग? ये तो फैसला हमारी पार्टी लेगी, और हम तो चाहते हैं कि देखिए जितने भी लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, जितने भी इधर उधर हैं, सबको इकट्ठा करके आगे बढ़ा जाए। अच्छा, और सीधा सीधा हमारा लक्ष्य होगा कि अभी जो भी चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। जो आपने कहा कि कार्यकर्ता, आप लोगों ने तो देखा है कई बार जब जनता इसी तरीके से, अगर जनता का उत्पीड़न होगा, अब इस समय देख रहे होंगे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, मेरे समझ में सारे रिकॉर्ड इस सरकार ने भ्रष्टाचार में तोड़ दिए। बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी कार्यालय में चले जाइए, खुलेआम रिश्वत, तो इतना भ्रष्टाचार तो मैंने कभी देखा भी नहीं। आप देख ही रहे हैं हमारी भूमिका जो है, हमारी बिल्कुल भूमिका है, हम तो बिल्कुल मिल करके संगठन को मजबूत करके, और जो जो उत्पीड़न हो रहा है और जहाँ जहाँ पर इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जहाँ जहाँ उत्पीड़न होगा, तो किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर कहा गया कि आपका बंगला खाली कराया जाएगा, तो क्या लगता है कि बीजेपी को जब लगा कि आप फिर से मजबूत कर रहे हैं सपा को, तब ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू की गई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताओ, सुरक्षा सुरक्षा हटाने मुझे कौन सा सुरक्षा की जरूरत? मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, नेता विपक्ष भी मैं रह चुका हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका, जनरल सेक्रेटरी रह चुका, मैं सब पद में रह चुके हैं, पद की कोई हमें लालसा नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत काम करना है, मुझे एक काम करना है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, और देखिए संघर्ष के बल पर संघर्ष चलेगा, और संघर्ष के बल पर परिवर्तन करना है, इस सरकार को हटाना है, बस मेरा यही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।